अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो अहले सुन्नत वल जमात है, जिनको सुन्नी कहा जाता है, उनका अकीदा क्या होता है, ये कौन लोग होते हैं, असल अहले सुन्नत वल जमात कौन लोग हैं, इसके बारे में थोड़ी वो कन्फ्यूज़न रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह इसकी ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर देंगे और इसके बारे में बताएंगे कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा असल में क्या है और सुन्नी किसे कहते हैं, ये कौन लोग होते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात जिनको कहा जाता है, वो लोग होते हैं, उनको कहा जाता है जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रास्ते में और सहाबाए किराम के ताबीन तबे ताबीन के रास्ते पर चलने वालों को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, यानी सुन्नतों पर चलने वाले को, जिन लोगों को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, यानी कि ये हुजूर पाक सहाबा ताबीन तबे ताबीन के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, इनको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। और हम आपको बता दें कि हुजूर ने ही फरमाया है, जब हुजूर से पूछा गया कि वो कौन सा फ़िरका होगा, वो कौन सा गिरोह होगा जिसको जो है जन्नती होगा, तो आपने फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चले, जो मेरे रास्ते पर चलेगा वो जन्नती होगा। तो इसी वजह से जो अहले सुन्नत वल जमात है, ये उन लोगों को कहा जाता है जो हुजूर पाक और सहाबा ताबीन तबे ताबीन जिस तरीके से हमारे बीच दीन आया है उसको फॉलो करने वाले लोगों को। हम आपको लेकिन एक चीज़ और बता दें कि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है, जो दूसरे फ़िरके वाले हैं वो इस तरीके की बात अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा लोग कहने लगे हैं, दूसरे लोग उनको बरेलवी कहते हैं, इस तरीके से वो इन लोगों के जहन में ये बैठाना चाहते हैं कि ये लोग अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है, ये लोग तो बरेलवी हैं। बरेलवी कह कहकर उनके जहन में एक ये चीज़ बैठाई जा रही है कि ये बरेलवी हैं और अपने आप को वो लोग अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। तो ये चीज़ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से हुजूर ने फरमा ही दिया है कि मेरे और मेरे सहाबा जो मेरे रास्ते पर चलेगा तो वो जन्नती होगा, तो इसी तरीके से अब अहले सुन्नत वल जमात तो हक है, वो तो एक सच्चा जो है एक रास्ता है, तो इसको अब दूसरे लोग भी समझ चुके हैं, तो इस वजह से दूसरे लोग ये टारगेट करते हैं कि इनको बरेलवी कहा जाए। और बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो समझदार नहीं हैं, वो अपने आप को बरेलवी कहने लगे हैं। तो इस तरीके से दूसरों के जहन में बैठ रहा है कि ये लोग तो बरेलवी हैं और अहले सुन्नत वल जमात दूसरे लोग हैं जो अपने आप को अब अहले सुन्नत वल जमात कहने लगे हैं। तो हम आपको बताते हैं, लेकिन आप इससे बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज़ ना हो, हकीकी जो अहले सुन्नत वल जमात है वो आप खुद समझ जाएंगे, जो जिसका आप अकीदा इस तरीके का देखें कि जो हुजूर पाक और सहाबा ताबीन तबे ताबीन और इन तमाम लोगों को जो फॉलो करे, उनके नक्शे कदम पर चले, वही अहले सुन्नत वल जमात से है। बाकी लोग दावा तो बहुत चीज़ों का करते हैं, तो इसी तरीके से आप ये चीज़ समझ जाइएगा। और अहले सुन्नत वल जमात का हम आपको अकीदा बता दें क्या है कि अहले सुन्नत वल जमात जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ही रास्ते, उन्हीं के सहाबा के ताबीन तबे ताबीन के ही रास्ते पर है। और इन जो अहले सुन्नत वल जमात पर एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये मज़ारों पर सजदा करने का और जो है उनको वहाँ पर शिर्क करते हैं, वहाँ पर कब्र परस्ती करते हैं। तो इस तरीके की ये सारी बातें गलत है, जिसकी हम मैंने दलील और सबूत अहले सुन्नत वल जमात के ही उलमा से कि उन लोगों का अकीदा क्या है, वो किस तरीके से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं, लोगों को इस चीज़ के लिए बता रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, वो हमने आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। नहीं देखा आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर चेक कर ले। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है। अब आप जाहिलों से सुने, जो जाहिल लोग हैं उनसे अगर आप अकीदा सुनेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि आप जो जिस सोर्स से आप दीन सीख रहे हैं वो सोर्स ही गलत है। तो आप जो है एक आलिम के पास जाएं, आलिम से पूछें कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इनका अकीदा ये है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आपने अहले सुन्नत वल जमात, फिर आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुन्नी उनको कहते हैं जो सुनी सुनाई बात पर अमल करे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये सारी चीज़ें हैं जो अहले सुन्नत वल जमात पर एक टोन मारी जाती है, उनको जो है बदनाम करने की बात की जाती है और एक उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि ये सरासर ये सारी चीज़ें गलत हैं। अहले सुन्नत वल जमात हुजूर के और दीन के रास्ते पर चलने वालों को ही अहले सुन्नत वल जमात के। अब बात करते हैं बरेलवी नाम पर, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में आम होता चला जा रहा है कि ये बरेलवी हैं, ये बरेलवी हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगी, जितने भी सुन्नी हजरात हैं वो इस चीज़ को रोकें, ख़ुद को कभी बरेलवी नहीं कहें। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के साहबज़ादे
उन्होंने भी अपनी किताब में इस चीज़ को लिखा कि उन्होंने इस बारे में लिखा है कि जो आजकल लोग बरेलवी कहते हैं, ख़ुद को बरेलवी मत कहो। उन्होंने अपनी किताब में ये चीज़ लिखी है इतने पहले कि अपने आप को बरेलवी नहीं कहो, बल्कि हमारा मसलक अहले सुन्नत वल जमात है, अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहो। बरेलवी कहने से उन्होंने ख़ुद रोका है। लेकिन अब जो लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ उनको उनके नाम से जानते हैं लेकिन उनकी बातों पर अमल नहीं करते, तो उनको इस चीज़ की खबर नहीं होती कि उन्होंने हमसे क्या कहा, किस बारे में कहा और किस चीज़ पर जो है किस चीज़ के लिए मना किया है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ना कहें, क्योंकि दूसरे लोग तो यही चाहते हैं कि ये लोग बरेलवी बरेलवी कह कह के इनको जो है ये साबित कर दे कि ये बरेलवी लोग हैं और वो ख़ुद इस चीज़ पर आ जाए कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। जबकि हकीकी अहले सुन्नत वल जमात तो आप जानते ही हैं, ये जो उलमा आपको दिख रहे हैं, बल्कि ख़ुद आप दीन पढ़ें और इसके बारे में रिसर्च करें कि आखिर जो है सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, और ख़ुद भटकने से बचें, लोगों की बातों से बचें, लोग किस तरीके की बातें कह रहे हैं, किस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन सब चीज़ों को दूर रखें। और आप हुजूर की हदीस को याद रखें कि जो मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, मेरे रास्ते पर चलेगा, वही जन्नती होगा। तो हमारे नबी ने जो हमको बताया, एक होता है हुजूर को मानना और एक होता है हुजूर की बातों को मानना। तो आप जो है ऐसा सिर्फ दावा करना कि हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं, हम जो है हुजूर के चाहने वाले हैं, और आपके अमल में बिल्कुल भी ना दिखे, आप उनकी बातों पर अमल ना करें, तो ये बिल किसी भी काम आपके नहीं आएगा। तो आप अहले सुन्नत वल जमात से हैं तो आप अमल भी करें और इस चीज़ को जाहिर करें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और अपनी ज़िंदगी में भी लाएँ। तो ये है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा कि तमाम जो है अंबिया किराम, तमाम सहाबा किराम, ताबीन, तबे ताबीन और अहले बैत जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो है अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, बल्कि हम बता दें कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ही यही है कि उनके नज़दीक अहले बैत की मोहब्बत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की मोहब्बत सबसे ज़्यादा ऊपर है और हम उसको सर का ताज समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। तो आपको अब इंशाअल्लाह समझ में आ गया होगा कि अहले सुन्नत वल जमात किसे कहते हैं, किन लोगों को कहते हैं और इनका अकीदा क्या है। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, सही लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, वहाँ पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम।